सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये है केबल काउंटिंग के लिए। बैकग्राउंड में लगभग और 6000 के आसपास लोग ड्यूटी पे हैं, सिक्योरिटी और अन्य प्रासंगिक प्रबंधकीय व्यवस्थाओं में। कुल मिलाकर लगभग 11 से 12000 या उससे थोड़ा सा ज्यादा लोग इस पूरे प्रोसेस में लगे हैं। 27 जिलों के जो स्थापित मतगणना केंद्र की जानकारी आपको पूरी लिस्ट 27 जिलेवार आपको हैंडआउट में दिया गया है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, इसको आप कृपया देख लेंगे। लोकसभा निर्वाचन 2019 में छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचन कर्मियों को जो पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे उसका संख्या है 41,197। इनमें से 22,901 प्राप्त हुए हैं, अर्थात लगभग 55% प्राप्त हुए हैं। पंजीकृत सर्विस मतदाताओं को जो ईटीपीबीएस के माध्यम से ऑनलाइन पोस्टल बैलेट भेजे गए थे उनकी संख्या 17,223। आज दिनांक तक 10,803 ईटीपीबीएस प्राप्त हो गया है, जो कि लगभग 60% के आसपास है। प्रत्येक मतगणना हॉल में लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा वार ईवीएम की गणना हेतु 7-7 टेबल्स अर्थात कुल 14 टेबल्स आमतौर पर लोकसभा के सभी जो इकाई विधानसभा इकाई है उसमें 14 टेबल्स लगे हुए हैं, और लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा डाक मतपत्रों के पृथक गणना टेबल लगाई गई है, जहां पर पृथक से डाक मतपत्रों की गिनती होगी। लेकिन साथ में मैं बता दूं कि आमतौर पर अगर 14 टेबल की व्यवस्था है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवार गणना के लिए, कुछ जगह संख्या अधिक होने के कारण इस बार हमने विशेष परमिशन भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त किया है तथा वहां पर 21 टेबल का सिलसिला लगा हुआ है। अतिरिक्त मतदान केंद्र अधिक होने के कारण जिन विधानसभा क्षेत्रों में 21 टेबल लगाए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: कबीरधाम जिले में 71 पंडरिया, 72 कवर्धा, रायगढ़ जिले में 16 रायगढ़ और 17 सारंगढ़, 18 खरसिया, बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 43 बिलाईगढ़ एवं 44 कसडोल तथा 45 बलौदाबाजार। तो इस प्रकार कुल 3 जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्रों में 14 के स्थान पर 21 टेबल ईवीएम गणना के लिए लगाई गई है। प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों और गणना एजेंटों के लिए पृथक प्रवेश द्वार होंगे तथा रिटर्निंग अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसर एवं गणना में लगे कर्मचारियों के लिए भी पृथक प्रवेश द्वार होगा। मतगणना हॉल में गणना मेज लोहे की जाली से सुरक्षित होंगे। इस गणना मेजों में से एक मेज बैंक कैशियर काउंटर की तरह होगी, जिसमें गणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए खुली रखी जाएगी। प्रत्येक जिले में मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी, थ्री टीयर सिक्योरिटी कॉर्डन होगा। यहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जांच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। गणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि पर पैदल यात्री क्षेत्र के रूप में निर्धारित है, यहां यह जो है बाहरी घेरा कहलाएगा। द्वितीय घेरा गणना परिसर के द्वार पर होगा तथा विशेष सुरक्षा बल के प्रभाव में होगा। तृतीय घेरा जो इनर मोस्ट है वो गणना हॉल के द्वार पर होगा तथा यह सीपीएफ सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात होंगे। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मोबाइल अथवा अन्य निषिद्ध सामग्रियों के साथ प्रवेश न कर पाए। सभी अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ताओं को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। सभी से अपेक्षित है कि अपने परिचय पत्र के साथ ही मतगणना हॉल में प्रातः 7 बजे तक प्रवेश करें ताकि असुविधा न हो। मतगणना केंद्र के अंदर बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, लाइटर, धारदार वस्तु या नुकीला वस्तु आदि लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना हॉल में कोई भी अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता को कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेन या कैमरा के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मतगणना हॉल में गणना अभिकर्ता को पेन उपलब्ध कराया जाएगा, वो जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा।
अभ्यर्थियों को मांग अनुसार कैलकुलेटर रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर वहां स्थानीय तौर पर उपलब्ध करा सकेंगे। अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता केवल कुछ कोरे कागज, कागज में छपे हुए फॉर्मेट तथा मतदान दिवस के दिन उन्हें मतदान अभिकर्ता द्वारा दिए गए प्रारूप 17C के भाग को ही ले जाने, अंदर ले जाने की अनुमति रहेगी। गणना अभिकर्ता को मतगणना के दिन प्रारूप 17C के भाग एक, जो कि अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता को मतदान दिवस के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए गए हैं वो प्रारूप, उसको लेकर आना अपेक्षित है। हमारा आग्रह है कैंडिडेट से और पॉलिटिकल पार्टी से कि जो भी एजेंट्स नियुक्त करके कल आप भेजेंगे उनके हाथ में ये पर्ची जरूर दें, उससे आपको ही सहूलियत होगी मिलान कराने में। सभी 27 मतदान मतगणना केंद्रों पर मीडिया केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ जनसंपर्क विभाग द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। वे समय समय पर मतगणना हॉल का अवलोकन कराने के लिए एक निश्चित सीमा में छोटी छोटी संख्या में मीडिया समूहों को साथ में लेकर जाएंगे, अर्थात मीडिया के लिए ये गाइडेड टूर होगा, रैंडम टूर नहीं होगा। मीडिया केंद्र कम्युनिकेशन सेंटर में स्थापित लैंडलाइन फोन का उपयोग करने की अनुमति मीडिया कर्मी एवं मतदान मतगणना कर्मी सहित मतगणना अभिकर्ताओं को होगी। जिस स्थान तक मतगणना हॉल में मीडिया एवं प्रेस का प्रवेश अनुज्ञा होगा उसे रिटर्निंग अफसर द्वारा चिन्हांकित किया जाएगा और सभी संबंधितों को अवगत भी कराया जाएगा। हमने इंस्ट्रक्शन जिलों को ये दिए हैं कि कलेक्टर्स अर्थात जिला निर्वाचन अधिकारी मीडिया एवं कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को एक बार आज शाम से पहले परिसर का एक भ्रमण करा दें और उनको आइडिया दे दें कि किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी और कहां से प्रवेश और कहां से एग्जिट रहेंगे। ऐसा कई जिन्होंने अभी तक कर भी चुके हैं। मतगणना हॉल के भीतर केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही अनुमति दी जा सकती है जाने की। एक है ऑब्जर्वर या प्रेक्षक, मतगणना रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। दूसरे कैटेगरी में है मतगणना पर्यवेक्षक, जो कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, मतगणना सहायक हैं और उनके लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं जो टेबल पर बैठेंगे। तीसरा है निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जो कि एक मीडिया कर्मी होगा जिसको प्राधिकार पत्र प्राप्त होगा। चौथा है निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लोक सेवक। पांचवा है अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता तथा उनके गणना अभिकर्ता, काउंटिंग एजेंट। इस पांच कैटेगरी को अंदर जाने के प्रवेश है, बाकी को नहीं। आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार केंद्र तथा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री, नगर निगम के मेयर, नगर पंचायत या नगर पालिका के अध्यक्ष, जिला या जनपद पंचायत के अध्यक्ष आदि एवं अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुमति नहीं है, ये वर्जित है। मतगणना हॉल में किसी भी सुरक्षा कर्मी को रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के बिना अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतगणना केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए और उनके एजेंट्स के लिए बैठक व्यवस्था का क्रम निम्नानुसार होगा। सबसे पहले बैठेंगे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी और उनके गणना अभिकर्ता। दूसरे पंक्ति में रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के गणना अभिकर्ता और तीसरे लाइन में निर्दलीय अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ता। किसी भी गणना अभिकर्ता को हॉल में अपने टेबल से अन्य टेबल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना एवं सारणीकरण की समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्यता होगी। मतगणना हॉल में पूरी गणना के दौरान अनुशासन एवं गरिमा बनाए रखी जाएगी। नियम 53(4) के तहत रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को जो रिटर्निंग ऑफिसर के सही एवं स्पष्ट दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है उसे मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है। स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक गणना हेतु लाए जाने वाले ईवीएम मशीन की पाथवे अर्थात जिस रास्ते से वो आएगा उसको सीसीटीवी द्वारा कवरेज रहेगी। इसका मतगणना हॉल में डिस्प्ले भी रहेगा। बिना सीआरसी किए ईवीएम मशीनों के साथ ऐसी मशीनें जिनमें परिणाम प्रदर्शित नहीं हो उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वीवीपैट स्लिप से काउंटिंग की पुष्टि कराई जाएगी। मतगणना की शुरुआत के बारे में बता दूं, स्ट्रांग रूम को निर्धारित समय पर प्रेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, अभ्यर्थी
अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जाएगा। इस कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। मतों की गोपनीयता बनाए रखने संबंधी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधान को रिटर्निंग अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसर द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा। 11 लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर द्वारा सर्वप्रथम डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। डाक मतपत्रों की गणना प्रारंभ होने के ठीक 30 मिनट पश्चात तक रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम की गणना रोकी जाएगी और आधा घंटे बाद अर्थात 30 मिनट बाद प्रारंभ किया जाएगा। शेष सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम की गणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। डाक मतपत्रों की गणना पूर्ण न होने की स्थिति में आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार ईवीएम की पेनल्टीमेट राउंड अर्थात आखिरी से पूर्व वाला राउंड की गणना रोकी नहीं जाएगी तथा यदि जीत का अंतर डाक मतपत्र के निरस्त मतों से कम हो तो केवल निरस्त डाक मतपत्रों की पुनर्गणना रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। किसी डाक मतपत्र को निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है, वो कारण मैं बता दूं। एक, उस पर कोई मत दर्ज नहीं है। दूसरा, इस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में मत दिए गए हैं। तीसरा, यह एक जाली या डुप्लीकेट मतपत्र है। चौथा, इस प्रकार यह मतपत्र क्षतिग्रस्त या विकृत है कि वास्तविक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है। पांचवा, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निर्वाचक को भेजे गए डाक मतपत्र यदि कवर बी में वापस नहीं किया गया हो तो रिजेक्ट हो सकता है। छठवां, मत को इंगित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर इस तरीके से लगाया गया है कि वह संदेशप्रद हो गया है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, ये स्पष्ट नहीं है, तब भी रिजेक्ट होगा। और सातवां, इसमें ऐसा एक चिन्ह या लेखन है जिससे मतदाता की पहचान की जा सकती है। इन सात कारणों से उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। मतगणना पर्यवेक्षक ईवीएम के कंट्रोल यूनिट पर परिणाम वाले बटन को दबाने के समय सभी अभ्यर्थियों और गणना अभिकर्ताओं को कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले पैनल दिखाएंगे ताकि वह कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए मतों को नोट कर सके। प्रत्येक गणना अभिकर्ता को प्रारूप 17C के भाग 2 मतगणना के प्रत्येक चरण में दिया जाएगा एवं उसकी पावती ली जाएगी। यदि किसी गणना अभिकर्ता की अपेक्षा परिणाम को ईवीएम पर एक या एक से अधिक बार दिखाए जाने की हो तो मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा गणना अभिकर्ता की संतुष्टि के लिए ऐसा एक से अधिक बार दिखाया जा सकता है। मतगणना के चक्रवार परिणामों की घोषणा केवल रिटर्निंग अफसर के द्वारा ही की जाएगी। रिटर्निंग अफसर के मुख्यालय से भिन्न लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित विधानसभा क्षेत्रों के जो चक्रवार गणना में पाए गए मतों की जानकारी संबंधित सहायक रिटर्निंग अफसर के द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जाएगा। ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती में अंतिम दौर के समापन के बाद निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के आचरण नियम 56D के अंतर्गत प्रावधानों में के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के रैंडमली चयनित 5 मतदान केंद्रों के वीवीपैट पेपर स्लिप्स का अनिवार्य सत्यापन कराया जाएगा। मतदान केंद्र का रैंडमाइजेशन ड्रॉ के अनुसार करेगा जिसकी पूर्व सूचना अभ्यर्थी एवं एजेंटों को दी जाएगी। इस कार्यवाही की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी भी की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों को मतगणना उपरांत विवरणी तैयार करने के मतगणना पश्चात प्रेक्षक की सहमति से परिणाम की घोषणा करेगा एवं रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण पत्र तत्काल प्रदान करेगा। ये है प्रक्रिया। कुछ आंकड़े आप लोगों ने जानना चाहा था। सी विजिल में 22 मई तक की स्थिति में कुल शिकायतें प्राप्त हुई हैं 478, सही पाई गई शिकायतें 259, 259 और ड्रॉप की गई शिकायतें 219। जब्तियां दिनांक 22 मई की स्थिति में नगद राशि 7,78,03,000 रुपये, शराब 7,144.22 लीटर जिसका मूल्य 12,93,588 रुपये का है। अन्य सामग्रियों की जब्ती 85,01,269 रुपये का है।
शिकायतों का निराकरण के डिटेल्स आपको हैंडआउट में दिए गए हैं। मैं टोटल फिगर बता दे रहा हूँ, आयोग से प्राप्त शिकायतें, स्थानांतरण एवं अन्य शिकायतें, आचार संहिता संबंधी शिकायतें और एनजीएस पोर्टल में प्राप्त शिकायतें कुल 1554 है। नस्तीबद्ध कर दिए गए जांच के बाद 1190, इसमें कार्यवाही किए गए संख्या भी शामिल है। लंबित शिकायतें अभी 364 हैं जिसकी पर जांच या कार्यवाही अभी पेंडिंग है। पेड न्यूज अभी संबंधित शिकायतें 22/5 की स्थिति में अभी तक जो सस्पेक्टेड पेड न्यूज केसेस हैं उनकी संख्या है 55 और उनमें से कंफर्म्ड पेड न्यूज केसेस 47 जिस पर कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही में थोड़ी समय लगेगी। ये एसी और पीसी वाइज वोटर टर्न आउट लोकसभा इलेक्शन 2019 का आपको ये हैंडआउट्स में दे दिया गया है। इसमें कुल इलेक्टर्स और जितने लोगों ने वोटिंग किया है उनका प्रतिशत के साथ मेल फीमेल और थर्ड जेंडर तीनों की जानकारी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज दे दी गई। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोगों को मालूम है, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखने लायक है, ये है वो फिगर्स जो पोलिंग स्टेशन से मतदान के पश्चात उपस्थिति के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा रिपोर्टेड है। इसमें चेंज होना स्वाभाविक है क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस और अन्य प्रकार की जो दूसरे कैटेगरी के जो मत हैं वो इसमें शामिल नहीं है। ये काउंटिंग के दौरान ही जुड़कर फाइनल फिगर्स पब्लिश होंगे। कोई सवाल? आज कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा आपसे जियो और बाकी जो मोबाइल नेटवर्क है उसको रोकने के लिए मांग की गई है, उस पर कोई विचार आयोग किया है? उस पर विचार कर रहे हैं और जो कार्यवाही करनी है हम आज इंस्ट्रक्शन उसके लिए जारी कर रहे हैं। सर क्या ऐसा होगा कि वो उसमें रोक लगेगी? वो हम डिसाइड करेंगे। सर ये जो अंतर परिणाम की घोषणा है वो वीवीपैट पेपर स्लिप्स के सत्यापन के बाद ही की जाएगी? बिल्कुल। तो हर राउंड के बाद ये स्लिप्स नहीं, सभी लास्ट में आखिरी में सभी राउंड खत्म होने के बाद वीवीपैट पर्चियों का की गिनती होगी, इसलिए इसमें समय लगेगा। पिछले बार विधानसभा निर्वाचन मतगणना के टाइम पर एक वीवीपैट मशीन की गिनती होती थी कंपलसरी था, इस बार 5 कंपलसरी है तो इसमें कम से कम 2.5 से 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इसके अलावा जो डिस्प्यूटेड केसेस हैं जिसमें या तो मशीन फॉल्ट है या ईवीएम में वो डिस्प्ले दिख नहीं रहा है, कोई खराबी आ गई है, ऐसे एक दो केसेस होंगे तो वो भी वीवीपैट से ही गिनती होगी, तो वो भी लास्ट में उस 5 के साथ वो भी होगा। एक मिनट था, अगर डिस्क्रिपेंसी होती है स्लिप काउंटिंग वीवीपैट की पर्ची में और ईवीएम मशीन में, इसमें 3 प्रकार की स्थितियां